नमस्ते दोस्तों, राजे एबीसीडी और राजे वॉइस इस यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज का एपिसोड हम देख रहे हैं राजे एबीसीडी RAJE ABCD इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत के फेमस और लीजेंडरी सिंगर कुमार सानू, इनकी आवाज़ को किस तरह से कॉपी की जाती है और किस तरह से उनकी मिमिक्री की जाती है उनकी आवाज़ की, और हमारे गले से उनकी आवाज़ को किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो कुमार सानू साहब का हम एक गीत लेते हैं, तेरे दर पर सनम चले आए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तो इसकी शुरुआत जो है हम देखेंगे कि तेरे दर पर सनम हम चले आए। ते, अब इसे ओरिजिनल आवाज में किस तरह से गाएंगे, तेरे दर पर ते, तो आपके आपके आवाज में आपके वाइब्रेशंस जरूरी हैं। तेरे ला ला, यहां से शुरुआत कीजिए, ला 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 ला। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कुमार सानू साहब की आवाज थोड़ी सी भारी है और थोड़ी सी नेजल टच है उसमें, तो थोड़ा सा नाक से जो आवाज आती है एक है गले से और एक है थोड़ी सी नाक से नेजल टच उसे देना अपने को पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। ला 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 ला, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ते 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 ते, थोड़ी सी भारी कीजिए अपनी आवाज को, थोड़ी भारी कीजिए। ते ते, यहाँ पर हमारे गले में वाइब्रेशंस होते हैं तो उसे क्रिएट कीजिए और रोज की कम से कम 10 मिनट सुबह शाम प्रैक्टिस कीजिए। तेरे तेरे ते, अपनी जो जबान है उसे थोड़ी सी ब्रॉडनेस इसकी बढ़ाइए। तेरे तेरे, वाइब्रेशंस को छोड़िए मत। तो इस प्रकार से आपका वो कम से कम आपको 80% तक पहले या दूसरे दिन में आ जाएगा इस आवाज को कॉपी करना। तेरे ला 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 इस तरह से। तेरे दर पर दर पर, थोड़ा निजल टच मिस नाक से थोड़ा सा आप गाइए गाने की कोशिश कीजिए। तेरे दर पर तेरे दर पर, इसे हल्का लीजिए। तेरे दर पर सनम सनम सनम, इस तरह से। तेरे दर पर सनम सनम, चले आए। पूरी हवा जो अपने मुंह से आ रही है उसे थोड़ी प्रेस करके इसे बाहर निकालिए। सनम चले आए, चले आए। अगर आपकी आवाज़ में वाइब्रेशंस नहीं है तो ये आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप रोज की इसे प्रैक्टिस कीजिए। ला 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 ला।
तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। पूरी यहाँ तक पेट से हमारी आवाज आनी चाहिए, इसे गुनगुनाइए, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 80% तक इनकी आवाज की कॉपी कर सकेंगे। तो इस तरह से हम अपनी आवाज को इनके अनुरूप ढाल सकते हैं। तो ओरिजिनल आवाज में हम कैसे गाएंगे? तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। ये हो गई हमारी ओरिजिनल आवाज। और कुमार सानू साहब की आवाज किस तरह से है, उसको थोड़ा भारीपन लाइए। यहाँ से शुरुआत कीजिए, मतलब यहाँ से आपकी आवाज आनी चाहिए पूरी पेट से ऊपर तक, गले तक। तेरे दर पर यह एक टोन सुनिए, पर तेरे दर पर सनम, पूरी हवा जो हमारे मुंह से आ रही है उसे प्रेस कीजिए। तेरे दर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। अब इसका पहला कड़वा देखते हैं। बिन तेरे कोई आशिकी न रही, इतने तरसे के प्यास भी न रही। हर उनका जो सुर है उसमें वाइब्रेशंस वो जानबूझ के उसमें यूज करते हैं, तो इससे वो जो सुनने वाला है उसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आप इस वाइब्रेशंस पे ध्यान दीजिए और आपका जो भी आवाज हो उसे इस टच में लाने की कोशिश कीजिए। बिन तेरे कोई आशिकी न रही, इतने तरसे के प्यास भी न रही, इतने तरसे के प्यास भी न रही। ला 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 ला, लड़खड़ाए कदम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। तो इस तरह से हम कुमार सानू साहब की कॉपी कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में नए गीत के साथ कुमार सानू साहब के। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।